सुहाग के महीने सावन में लड़कियों और महिलाओं को जिसका बेसब्री से इंतजार होता है वो दिन हरियाली तीज आ गई है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल हरियाली तीज 19 अगस्त को मनाई जाएगी। नमस्कार, मैं भावना और आप देख रहे हैं न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स। हरियाली तीज का पर्व सुहागिनों के लिए खासा महत्व रखता है। ये दिन महिलाएं और कुंवारी कन्या अपने जीवन साथी के लिए समर्पित करती है। इस दिन शुभ मुहूर्त में विधि विधान के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती है तो कुंवारी कन्याएं पूजा कर मन चाहे वर की कामना करती है। इस दिन शुभ मुहूर्त में विधि विधान को बहुत महत्व दिया जाता है। शास्त्रों के अनुसार हरियाली तीज के दिन पूजा पाठ के बाद जो व्रती दान करती है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। तो चलिए ज्योतिषाचार्य से जानते हैं हरियाली तीज पर्व का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। देवघर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित नंद किशोर मुद्गल बताते हैं कि हरियाली तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर स्त्री को अखंड सौभाग्य मिलता है और वैवाहिक जीवन हमेशा खुशियों से भरा होता है। ज्योतिषाचार्य पंडित नंद किशोर के अनुसार हरियाली तीज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस साल तृतीया तिथि की शुरुआत 18 अगस्त रात 8:49 पर हो रही है जो 19 अगस्त रात 10:32 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार हरियाली तीज का व्रत 19 अगस्त को रखा जाएगा। ज्योतिषाचार्य के अनुसार हरियाली तीज की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6 बजे से रात 7:30 तक है। ये मुहूर्त भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ है। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि हरियाली तीज के दिन हरे रंग के परिधान और श्रृंगार का विशेष महत्व है क्योंकि हरे रंग को सौभाग्य और प्रकृति का प्रतीक मानते हैं। इस दिन महिलाओं को हरे रंग का परिधान पहनकर पूजा विधि करना चाहिए। इसके साथ ही महिलाओं को शादी के बाद पहली तीज मायके में रहकर करनी चाहिए। चलिए अब आपको बताते हैं हरियाली तीज का व्रत और पूजा विधि। ज्योतिषाचार्य पंडित नंद किशोर के अनुसार इस पर्व पर पूरे दिन निर्जला उपवास रखा जाता है। तीज से एक दिन पहले मेहंदी जरूर लगाना चाहिए। तीज वाले दिन हरा परिधान और हरे रंग की चूड़ियां पहननी चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। पूजा से पहले स्नान कर हरे रंग के वस्त्र धारण कर 16 श्रृंगार करना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करनी चाहिए। माता पार्वती को भी 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करना चाहिए। पूजा करने के बाद हरियाली तीज व्रत कथा जरूर सुनना चाहिए और महिलाओं को पूजा के बाद झूला भी झूलना चाहिए। हरियाली तीज की पूजा समाप्त होने के बाद व्रती स्त्री को पूजा में चढ़ाया हुआ सिंदूर अपनी मांग में जरूर लगाना चाहिए और पति की लंबी उम्र की कामना भगवान शिव और माता पार्वती से करना चाहिए। इससे उनका व्रत पूरा माना जाता है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स पर।